अस्सलामुअलैकुम वीरन वीनियो। आज की वीडियो में बहुत कुछ है। आज मैं शॉपिंग करने गई, फिर मैं सब्जियां लईयां, फिर मैं सब्जियां लेके बाहर निकली तो मेरी ट्रॉली डिग पई हैं, दोरी हो गई, बस मुश्किल नाल बची। फिर ये जाना था फ्रेंड के घर, जहाँ उनकी दूसरी फ्रेंड्स की मम्स का लंच था। बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही मज़ा आया। मेरी दोस्त ने भी बहुत खाना बनाया हुआ था जिसने इनवाइट किया हुआ था, लेकिन सब अपना अपना फिर अपनी तरफ से प्यार से बना के लाए। आगे पूरी डिटेल है व्लॉग में, आप इसको देखें, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। बड़ा ही ज़बरदस्त समर दे दिन होने, धुप निकली होए, आसमान बदलिया नाल भरिया होए, तो तुसी इंज अपने प्यारे तुम बुलाण तो तुसी जाओ तो तुहाडा दिल खुशी नाल भर नहीं जाना, तुहानू जिंदगी वाकई जिंदगी लगती है। तो देखें, इंजॉय करें, आगे फुल व्लॉग है। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अरे डालें तो सही ना, फिर वीडियो तो सही बनाओ ना आपकी, बस इतना ही इतना कम ही खराब कर देता। अस्सलामु अलैकुम जी, मैं जा रही हूँ आजडा। हाय हाय, ऐ क्यों है, एक दिन ना इत्थे बड़ी मुसीबत है। आए हाय हाय हाय, गड्डी जड़ी है ना मैनू बड़ी औखी लगदी जे, ते मैनू इन्ना क डर लगता है जिदा कोई हिसाब नहीं। मैं तुहानू की दसा, कोई मैनू बुला लवे सही अपने कार ते, गड्डी जानी होवे किधरों उत्तों दी होके ते बस, फिर मेरे वर्गे बंदे ने ना डर डर के मर जाना होंदा। फिर वहाँ जाके बात करते हैं, थोड़ी सी ग्रोसरी करके शॉपिंग। आ जा तू गड्डी चढ़ा दे उत्ते हैं। मैं कह रही हूँ लोगों च सबर ही कोई नहीं, ऐसे भी सबरे हुए ने। तो चले ठीक है जी, बादल देखे कितने खूबसूरत, कितने सोहने लगते पे हैं, मौसम बड़ा सोहना है आज। गर्मी के लिए हमने ये आलू ये बीज रखे, ये वाला मैं लेती हूँ गार्लिक यहाँ से, और ये वाली जिंजर गार्लिक वैसे लेती हूँ, ये वाली, ये भी काफ़ी अच्छी है। एक लेती हूँ गोभी, ये देखें स्पिनिच का कितना बड़ा पैक है, ये स्पिनिच बनाएंगे। स्प्रिंग अनियन मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ अपनी कुकिंग के लिए, और क्यूकम्बर डेट नज़र नहीं आ रही पर ठीक है। लेमन भी लेने थे, ये मैरो, ये भी बड़ा अच्छा बन रहा है। ये देखें करी पत्ता भी मिलता है यहाँ पे, करी पत्ता भी है। ये वाली हरी मिर्चें हैं छोटी सी बस। ये है स्ट्रॉबेरीज यहाँ पे, स्ट्रॉबेरीज कौन सी लूँ, ये अच्छी लग रही है, ये वाली, ये वाटरमेलन भी बड़े ज़बरदस्त लगते हैं, ये ले। अनार, अनार भी बड़ा अच्छा, एप्पल भी ले ली। ये वाला है चक्की गोल्ड आटा, ये वाला मैं लेती हूँ, ये मैंने लिया, ये देखिए। ये हम आ गए ब्रेड सेक्शन में, ये हैं रैप्स जो रैप के लिए यूज़ करती हूँ मैं। ये दो लिए हैं बर्गर यहाँ से, अब ट्रॉली ले ली है छोटी और चीज़ें हैं ज़्यादा। एग्स कौन से एग लूं, ये वाले अंडे लेते हैं, ये लेंज इन्ना नोड़े इतने डेक के टूट जाना। तो चीज़ें ले ली हैं, ट्रॉली इन्नी भर ली है मेरे को हूँ पुछ भी नहीं होंगी पई। ये वाली स्कॉश है जो पीते हैं कभी गर्मी में, मैं कहा ये भी ले लूं। ये देखें यहाँ पे ना ऐसे चीज़ें सस्ती लगती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरफ सब येलो स्टिकर लगे हैं। लैला का रोज़ वाटर लगा हुआ है, ये मैंगो पल्प लगा हुआ है, हम तो खैर यूज़ ही नहीं करते ये। ये देखिए मेरी फ्रेंड कह रही है फेस के लिए अच्छा है ले लो फेस पे लगाने के लिए रोज़ वाटर। चलो
और कैसे ठीक हो? हाँ ठीक ठाक। ये मैंने कलर मंगवाना था, कलर है? लूजिंग वेट? नहीं मेरा वेट नहीं लूज हो सकता, सारी दुनिया पतली हो जाएगी। अच्छा ये मुझे मंगवा के देना कलर। मैं खाली डब्बा लेके आई हूँ, खाली डब्बा इसका कलर। मैं बाहर आई थी छोटी अल्लाह होया ही नहीं थी। यह बहुत सोहना बनता, बनाया कभी? है ना मैरो, मैं बनाऊंगी चनिया की दाल च, बड़ा नाइस बनता। नहीं जी ट्रॉली इतनी भारी हो गई मेरे को पुश नहीं होती पई। बाहर देखें मौसम कितना जबरदस्त है, बादल देखें कितने खूबसूरत हैं, बदल तो बहुत ही सोहने ने, मौसम भी बड़ा ही प्यारा है। मौसम देखें और हमारी देखें शॉपिंग। अब जाती हूँ मार्क्स, वहाँ से कुछ शॉपिंग करूँगी। हाय हाय हाय, ऐसी भैड़ी ट्राली सी, ऐसी भैड़ी ट्राली सी, उलट गई सारी दी सारी, मुंदी हो गई, आंडे भी फरे टुट टट गए होने ने। तौबा तौबा, है कोई हाल की बंदा इत्थे करे, कल्ला बंदा कित्थे टुर जाए। मैनू तो लगी जाए हुण प्यास, अभी भी मेरे हाथ शेक हो रहे हैं पता, इतना उलट गई ट्रॉली, वजन सारा मेरे उत्ते पै गया उहदा। शुक्र है मैं आप ही नहीं डिग पई, ऐस ट्रालियां रख गई है ट्रालियां दे, किसी का मूह पहिया किसी पासे जांदा पिया, किसी का किसी पासे जांदा पिया, किसी ना काम दिया। ये देखें जी हम आए हैं मार्क्स में, कि फ्लावर्स बड़े, चीज़ें बड़ी अच्छी हैं यहाँ पे, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज वहाँ से भी ली हैं मैंने। यस चलें जी, फूल देखें कितने प्यारे, मौसम देखें कितना प्यारा। शॉपिंग कर ली यहाँ से भी, ये देखें तो यहाँ पे फिर मैं रेडी हो रही थी, फ्रेंड्स की मम आई हुई थी पाकिस्तान से, उनको मिलने जाना था, उनके लिए डिनर किया हुआ था दूसरी फ्रेंड्स ने, तो मैंने भी जाना था उनको मिलने। मैनू ना बड़ा ही चंगा लगता है उनकी मदर्स को देख के, वहाँ मुझे अपनी अम्मी बहुत याद आई, और एक जो फ्रेंड थी उनकी अम्मी की तो बहुत रिजेंबलेंस थी मेरी अम्मी से। मैं कहनी हाँ देर बाद मैंने अपनी अम्मी के जाने के बाद किसी और माँ को इतने करीब से देखा, इत्थे कभी वास्ता ही नहीं पैंदा ताड़ा किसी नाल, अपने गिने चुने जो लोग हैं आप उनको ही मिलते रहते हैं। माए मोस्टली सबकी आउट ऑफ कंट्री, किसी दे किधरे किसी दे किधरे, बहुत ही अच्छा लगा उन्होंने मिल के। मैं कहनी हाँ एक प्यार दा माहौल सी, माओं की हंसने की आवाज़ें, उनकी बातों की आवाज़ें, उनके अपने घर के बातें, उनके अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, ते मैनू किधरे ना किधरे फील होए कि उन तीन सीटों पे, दो सीटों पे बैठिया हुई और दो मावां दे विच शायद किसी तीसरी सीट ते मेरी अपनी माँ भी मैनू बैठी नज़र आती, और बड़ा ही दिल मजबूत करके उनके साथ बैठी रही, हंसती खेलती रही, और दिल नू बड़ा ही चंगा लगा उन्होंने मिल के। तो यहाँ फ्रेंड ने जो है ना कुछ बना के लाए थे मैं कुछ नहीं बना के लेके गई, मेरी बस तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, नहीं तो मैं नॉर्मली दही भल्ले जो है ना वो मैं बना के लेके जाया करती हूँ, लेकिन कुछ तबीयत ऐसी कुछ और अपने कामों में इतना, इस दफ़ा मैंने कुछ नहीं बनाया। लेकिन हाँ ये फिश जो है ऐ मैं फ्राई की थी, फिर जाके ये मैंने बनाई, ये एक फ्रेंड है उन्होंने मैरिनेट की हुई थी और बड़ी ही ज़बरदस्त मैरिनेट की हुई थी, और मैंने फिर जाके इसको फ्राई किया। तो मैं अचानक ही किचन में आई तो वो फ्राई कर रही थी, मैं क्या हाँ तुसी मैनू नहीं बुलाया, मैनू बुलाते मैं फ्राई कर दी, वो कहते नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं
आपको हर दफा कहूँ कि आप आए तो आपने मैं कह लो तुसी नहीं कहना तो होर किन्ने कहना मैं गई किचन में और मैंने जाके फिर ये फिश जो है फ्राई की बनाई। फिर हमने बड़ा सा, मैं कहती हूँ फ्रेंड्स के घर भी आपको ऐसे अपनी फैमिली की तरह लगते हैं, खुद ही बर्तन निकाल के, खुद ही चीज़ें, खुद ही फ्रिज में से सैलड निकाल के हमने बड़ा अच्छा सा फिश का प्लेटर बना दिया। और माशाल्लाह मैं कहती हूँ बहुत एहसास करने वाले दोस्त हैं सारे, सब कुछ ना कुछ बना के लाए हुए थे, सब ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। लेकिन ये माशाल्लाह से जो मेरी दोस्त हैं ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही, मैं कहती हूँ, चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, और दोस्त भी सारे ऐसे ही हैं, आपको नज़र आती है वो झलक सब में। इसलिए इंसान ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर होता जाता है, अच्छी से अच्छी चीज़ें एक दूसरे से सीखता है। इसलिए कहते हैं हमेशा अच्छी कंपनी च रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उनसे कुछ सीखें, वो लोग आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें। वैल्यू पैसे या कपड़ों से नहीं, आपके मेंटली जो है आप कितना सीखते हैं, आप कितना समझते हैं चीज़ों को, आप कितना दरगुजर करना सीखते हैं, आप कितना माफ़ करना सीखते हैं, आप कितना फॉरगिव फॉरगेट करके मूव होना सीखते हैं, ये सब मिलने जुलने से आता है। तो इसलिए मिलना जुलना, लोगों को सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है। तुहाडी अपनी बहुत इंप्रूवमेंट हुंदी है, तुसी आप बहुत बेहतर इंसान बन जाते हो। तो फिर ये मैं घर आई और शाम को तुसी वेख्या ना, मैं मार्क स्पेंसर चो काफ़ी रिड्यूस स्टफ मैंने लिया था जो बहुत अच्छा लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो कभी कभी मैं ऐसे कर लेती हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपका कोई स्टैंडर्ड ताड़ा कोई ज़ीरो नहीं हो जाता तुसी थोड़ी रिड्यूस चीज़ें खरीद लें क्योंकि आपने उसी दिन बनानी हो, तो कोई हर्ज नहीं। हाँ, ये पोटैटो मैंने फुल प्राइस पे लिए थे, इनको मैंने ओवन में बेक करके फिर इस तरह से इसको बना लिया था। इसको मैंने कीचे मार के ओवन में रख दिया था, कोई 2 घंटे पके हैं 200 पे। जब मैंने निकाले तो एडे सोने हो गए सन, इसको कहते हैं जैकेट पोटैटो। इसमें ब्लैक पेपर डाली, बटर डाला, फिर मैंने इसमें चीज़ सूटी और इसको अयान के मैं नहीं डाला था, बाकी मैंने ये किया और इसमें ये कोसलो था। और ये बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही ज़बरदस्त लाइट डिनर बना, साथ सैलड था और साथ हमारा ये बन गया बेक पोटैटोज, बहुत ही फिलिंग और बहुत ही मज़ेदार। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Video. Are you recording? Yes. Yeah. Oh my god. Stroke his head. Hey? Touch his head. He might go viral. Oh, viral. Oh, they're viral. Oh, I'm a shitki jawa shit. It's gonna nugget. This is gonna go viral. Achha. Guys, blow this up.